कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के दो शहर वुहान और कोंगक्विंग में 24 घंटे लाशें जलाने की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इन दो शहरों में अचानक हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। जानकार इसके पीछे लगातार सैकड़ों हजारों लाशों को जलने की वजह बता रहे हैं। इन लाशों को शहर के बाहरी इलाकों में जलाया जा रहा है। हालांकि चीन में सोशल मीडिया और मीडिया में कोरोना से जुड़ी सिर्फ वही खबरें सामने आ रही हैं जो चीन की सरकार बाहर आने देना चाहती है। देखिए इस मामले पर एक खास रिपोर्ट। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से पूरे चीन में हाहाकार मच गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोरोना वायरस से हो रही तबाही के बीच चीन ने अब पूरे हुबेई प्रांत में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब 6 करोड़ लोगों को उनके घरों में ही कैद कर दिया गया है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा निजी वाहनों के इस्तेमाल पर भी अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक हुबेई और वुहान शहर प्रभावित हुए हैं, जिनमें अब तक 1692 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि चीन ने घोषणा की है कि लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है और वो इसे फैलने से रोक रहा है। चीन में सोमवार को देश भर में कुल 2048 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। अब तक पूरे चीन में 70,500 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं। कोरोना वायरस के चलते चीन ने हर किसी के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही साथ घर से 3 दिन में बस एक ही आदमी को खाने का और जरूरी सामानों को लाने की छूट दी गई है। वहीं दवाइयां, होटलों, खाने की दुकानों और स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा सभी दुकानें बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। सामान की डिलीवरी करने के अलावा सभी तरह की कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजधानी बीजिंग में आने वाले लोगों को 14 दिन तक चिकित्सा निगरानी में एकांत में रहने के लिए कहा गया है। ऐसा ना करने पर सजा का प्रावधान है। लेकिन अलग अलग सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि चीन कोरोना वायरस से हुई मौतों के आंकड़ों को लगातार दुनिया से छुपा रहा है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक करीब 1500 लोगों की मौत हो गई है, मगर गैर सरकारी आंकड़े मौत की तादाद कहीं ज्यादा बता रहे हैं। देखते रहिए दुनिया तक।